वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल सरिता फूड मैजिक में। आज मैं लेके आई हूँ लौकी की नई ट्विस्ट के साथ सब्जी, क्योंकि वही सब्जी खा खा के आप बोर हो जाते हैं सिंपल। तो मैंने सोचा आज लौकी को ट्विस्ट दिया जाए। यहाँ मैंने लौकी को चने की दाल के साथ बनाया है, और चने की दाल के साथ ही इंस्टेंटली बनाया है और बहुत ही जल्दी बनने वाली सब्जी है। ये सब्जी अगर आप एक बार खाएंगे तो बार बार बनाकर खाने वाले हैं, क्योंकि इसका स्वाद बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत ही अच्छी लगती है ये सब्जी जब हम चने की दाल के साथ बनाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं रेसिपी बनाना। प्रेशर कुकर लेंगे हम, और प्रेशर कुकर को हम थोड़ा गर्म होने देंगे, और उसके बाद डालेंगे इसमें हम ऑयल। मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल डाला है, और इसके बाद मैंने डाला है यहाँ पर 1 टेबल स्पून जीरा। जीरे का कलर चेंज होने देंगे, और साथ ही डालेंगे 1 पिंच ऑफ हींग। 4 से 5 लहसुन की कलियाँ ली हैं बारीक कट करके, इनको भी कलर चेंज होने तक भूनने देंगे। लौकी के साथ लहसुन बहुत ही अच्छी लगती है। लहसुन को हमें ज़्यादा कुक नहीं करना होता है, ज़्यादा कुक कर लेते हैं तो ये कड़वी लगने लगती है। तो साथ ही हम डालेंगे प्याज। प्याज मैंने यहाँ पर 1 ली है, जो कि बिल्कुल बारीक चॉप करके ली है, और इसको भी हल्का पिंकिश कलर हम होने देंगे। प्याज का कलर जब थोड़ा सा पिंक हो जाए तो इसमें डालेंगे हम अदरक। और इसको भी अच्छे से चला लेंगे। अब इसमें डालेंगे हम हरी मिर्च और टमाटर। यहाँ पे मैंने 1 टमाटर लिया है और 3 हरी मिर्च ली है कट करके। 1 टेबल स्पून देगी मिर्च डालेंगे, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, और इनको अच्छे से मसालों को कुक होने देंगे। सारे मसाले जब अच्छे से कुक हो जाएंगे तो फिर हम इसमें डालेंगे चने की दाल। चने की दाल को मैंने आधा घंटा पानी में भिगो के रखी है। अगर आप इंस्टेंटली डालना चाहें तो आप गर्म पानी करके इसको 10 मिनट भिगो के रख दें और फिर सब्जी में यूज करेंगे। इधर हमारे मसाले भी अच्छे से भुन गए हैं, तो अब इसमें डालेंगे हम चने की दाल। तो इसी टाइम हम डालेंगे इसमें चने की दाल, और इसको भी मसालों के साथ अच्छे से कुक होने देंगे। इस तरह से बहुत ही जल्दी बन जाती है चने की दाल और लौकी की सब्जी। यहीं पर हमने डालना है इसमें नमक। नमक हम डालेंगे अपने स्वाद के अनुसार। मसालों को अच्छे से भून लेंगे। नमक मैंने यहाँ पे इसलिए डाला है क्योंकि हम चने की दाल है थोड़ा देर से गलती है, तो इसलिए हमने नमक यहीं पे डाल दिया है। अब डालेंगे हम यहाँ पर लौकी। लौकी को भी अच्छे से मसालों के साथ हम मिक्स कर देंगे। लौकी को अच्छे से मिला लेंगे, सभी मसाले अच्छे से मिल जाएं। इसलिए हमें बिना लीड के 2 से 3 मिनट इसको कवर करके पकाना है। एक बार फिर से हम चलाएंगे सभी मसालों को, और अब इसमें डालेंगे हम पानी। मैंने 2 बाउल पानी डाला है। अगर दोस्तों आप इस तरह से लौकी की सब्जी बनाओगे तो बहुत ही टेस्टी बनती है, और हम 1 की जगह 2 रोटी या 3 रोटी आराम से खा जाएंगे, क्योंकि लौकी और चने की दाल की सब्जी बहुत ही टेस्टी यम्मी लगती है। इसको चलाकर अब प्रेशर कुकर को हम बंद कर देंगे। लौकी में मैंने 4 बिसल फुल फ्लेम पर लगाई है, और 2 बिसल लो टू मीडियम फ्लेम पर। इससे लौकी हमारी बहुत अच्छे से बन जाती है, और चने की दाल भी अच्छे से कुक हो जाती है। तो लीजिए, हमारी चने की दाल की सब्जी बनकर तैयार है। बहुत ही अच्छी सब्जी बनी है, और देखने में भी बहुत ही अच्छी लग रही है। अब इसी में डालेंगे हम धनिया पत्ता।
इस तरह से आप सब्जी बनाएंगे तो बहुत ही जल्दी बन जाती है और खाने में तो बहुत ही स्वाद लगती है। अब इसको हम एक बाउल में निकाल लेंगे। गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। Thank you.